अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लेट अस स्टार्ट टुडे लेसन नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनी ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आर फ्री एंड वी डू नॉट इवन हैव टू वर्क फॉर देम। सो कैन यू गेस चिल्ड्रन व्हाट आर दे? We cannot live without air, and Allah subhanahu wa ta'ala has provided us within it abundance. The sun provides us with necessary light on a daily basis, isn't it? And the most important thing is water. Water is an important source of our life. Allah subhanahu wa ta'ala has covered most of the earth's surface with water for us. These things are the blessings of Allah. ये तमाम चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं, countless है। अगर हम अल्लाह की नेमतों को count करने लगेंगे तो वो हम count नहीं कर सकते। There are many things that we must work hard for. The final outcome of our work is decided by Allah subhanahu wa ta'ala. ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके लिए हमको वर्क हार्ड करना पड़ता और उसका जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह के हाथ में छोड़ देना है। हम जब वर्क हार्ड करते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं, तो अल्लाह ताला उसका इनाम भी अच्छा अदा करते हैं। बिना मेहनत के अगर हम ये बोलें कि हमको अच्छा सिला मिल जाए, तो बगैर मेहनत के कोई चीज़ हमको हासिल नहीं हो सकती। स्पेशली कुरान कमांडर्स टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली, आवर रिलेटिव्स एंड टू गिव देम देयर राइटफुल शेयर इन इनहेरिटेंस एंड हेल्प देम इन देयर नीड्स। हमको अपने रिश्तेदारों का भी हक अदा करना है। यानी हर मुसलमान पर अल्लाह ताला ने ये हुकूक रखे हैं कि हम दूसरों का भी हक अदा करें। अगर अल्लाह ताला हमको देने की इस्तेदात में रखा है, हमको अल्लाह ताला अपनी हमको दौलत से नवाजा है, तो हमारा काम है कि हम अपने पहले सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का हक अदा करें, अपने पड़ोसियों का हक अदा करें, और फिर जो दूसरे लोग हैं जैसे ट्रैवलर्स हैं या गरीब है, गुरबा है, मिस्कीन है, हम उनको अपने पैसों में से अल्लाह का जो नेमत दी है अल्लाह ताला, हम उसका हक अदा करें, क्योंकि ये भी हमारे ऊपर फ़र्ज है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 3, अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून। जो गैब पर ईमान लाते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, फिर युक़ीमून सला और नमाज को क़ायम करते हैं, और व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून, और हमने उनको जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करते हैं, तो यही लोग हैं कामयाब होने वाले। कुछ लोग अपने पैसों को जमा करके रखते हैं और उसको यूज़लेस चीज़ों पे वेस्ट करते हैं। ये दो लोग भी अल्लाह की नज़र में अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करते, जो लोग पैसों को जमा करके रखते हैं और यानी यूज़लेस चीज़ों पे खर्च करते हैं। जो अपनी जो प्रॉपर्टी है या जो भी पैसा है, जो भी अल्लाह ताला हमको अता कर रहे हैं, उसको दूसरों पे खर्च नहीं करते। तो हमारे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह की दी हुई अमानत है। अगर हम इतने काबिल हैं, अल्लाह ताला हमको इस काबिल बनाया है, तो हम दूसरों की मदद करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे कि हम जिसको चाहते हैं अता करते हैं और जिसको चाहते हैं नहीं अता करते। तो जिसको भी जो भी अता कर रहे या नहीं कर रहे, वो उनकी आजमाइश है कि जिसको दे रहे उनके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि उन्हों हक अदा करते नहीं करते लोगों का, और जिसको नहीं दिए फिर उन्हों उस पर सब्र करते या नहीं करते, दोनों के लिए आजमाइश है। तो हम जो भी खर्च करते हैं वो हमारे ऊपर जो खर्च करते हैं वो तो ख़त्म हो जाता है,
लेकिन हम जो दूसरों पे खर्च करते हैं, दूसरों को देते हैं, वो हमारे लिए आखिरत में उठा कर रखा जाता है। और वो उसकी यानी हमारी नीयत पे डिपेंड करता है कि आप कितने खुलूस नीयत से आप वो खर्च किए थे। तो हम एक आदत बना लें कि रोज़ाना हमसे जो भी हो सक रहा वो हम चैरिटी करें। एक 10 रुपये क्यों नहीं होते हम किसी को दे, या फिर हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे कोई पड़ोसी है, उनके एजुकेशन पे, उनके किसी को प्रॉब्लम हो रहा तो ये सवाब जारिया है। अगर आप किसी को एजुकेशन में हेल्प करेंगे तो सवाब जारिया। केयरिंग फॉर रिलेटिव्स, यहाँ पे सूरह नहल में भी अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमको अपने रिलेटिव्स के लिए भी हक अदा करना है। इंडीड अल्लाह कमांड जस्टिस काइंडनेस एंड गिविंग रिलेटिव देयर ड्यूज। अल्लाह ताला हम पर ये फ़र्ज़ रखे कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ भलाई करें, खैर का मामला करें और उनका जो हक़ है उसको अदा करें। इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे कि हम पर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, जो भी नेमतें अल्लाह ताला हमको दिए हैं, हमको अल्लाह का उसका शुक्र अदा करना है। और अल्लाह ताला फरमा रहे कि हम जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला हमको उतना नवाजेंगे। वलाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। तुम शुक्र अदा करो, यानी जो शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसको और नेमतें अदा करते हैं। तो हम हमेशा शुक्र करने वाले बने और जो कुछ भी हमारे पास है उसको दूसरों पे खर्च करें। जमा करके रखने से वो पैसे डबल नहीं हो जाते हैं ना। तो हम कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमको खैर खैरात करने वाला बनाए और हमारी इस नेकी को अल्लाह ताला आखिरत में बढ़ा चढ़ा कर उसका अजर अता करें। वाखर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।